हेलो आप हेलो। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है सर्किट में। आपको ये गोरखपुर का इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मेंटेनर का आपको दिया गया है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर का क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 ओम का रजिस्टर दिया है, 100 ओम का रजिस्टर दिया है, 100 ओम का रजिस्टर दिया है, 100 ओम का रजिस्टर दिया है। बोल रहा है कि पी आर के अक्रॉस, जैसे हमने ए बी ए डी बी सी डी सी पढ़ा था, वही सही बोल रहा है कि पी आर के अक्रॉस आप रजिस्टेंस बताएं कि पी आर के अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्न परिपथ में प्रत्येक 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक वर्ग में बनाने हेतु संयोजित किए गए हैं, विकर्ण बिंदु पी आर के साथ प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने में देखिए लड़के सब क्या करेंगे, गलती करेंगे। तो आपको इसी क्वेश्चन को समझना है कि हम कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 100 ओम है जी, हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, पी से हमको जाना है और आर तक जाना है जी। पी से हम आर तक जाएंगे, ये भी 100 ओम का है, मेरा आर आ गया। इधर से क्या है जी, 100 ओम का रजिस्टर है, ये भी 100 ओम है, ये भी 100 ओम है। कितना आसान है, देखिए ये दोनों क्या है, इसमें करंट जो जाएगा वही करंट जाएगा ना, तो ये सीरीज में है कि नहीं है। ये भी 100 ओम, जो करंट यहाँ से जाएगा वो भी करंट सेम पास होगा, तो ये भी सीरीज में है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले ये सीरीज और ये भी सीरीज में है, तो ये आपस में, ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों आपस में अपने में सीरीज में, सॉरी यहाँ पे 100 ओम है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, तो हम क्या करें कि इसको बनाने के लिए एक मेरा पी पॉइंट है, इस वाले छोर को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, आर। ये 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 200 ओम। देखिए 100 प्लस 100 इसलिए लिखे, क्यों लिखे जी, क्योंकि वो सीरीज में है और सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू। तो हमने 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 200। ऐसे ही नीचे वाले में क्या, ये भी सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, 200। देखिए जब यहां से करंट जाएगा वही करंट से हम इसमें से जाएगा, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में। लेकिन वही करंट इसमें दूसरा करंट जा रहा है, वही करंट इससे भी पास होगा, इससे भी पास होगा, तो ये क्या, ये दोनों सीरीज में है, हमने सीरीज का फॉर्मूला लगा रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बात को समझना है, करंट सेम है तो सीरीज में, या वोल्टेज सेम है तो पैरेलल में। तो यहाँ पे 200 ओम, यहाँ पे 200 ओम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, बराबर है। जैसे ही वोल्टेज बराबर हुआ तो क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। क्या हो गया जी, पैरेलल में हो गया। तो ये 200 ओम, ये 200 ओम क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल वाले का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R PR, यानी P और R के बीच क्या है जी, P और R के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है, पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2। समझ रहे हैं, बस जैसे ही आप इतना लॉजिक समझ रखा है कि क्या है, पैरेलल में है, तो आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, 1/200 + 1/200 1/R PR। ये आपको R रेजिस्टेंस के लिए रहे हैं और ये PR क्या है जी, पॉइंट है उसके लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2/200 यानी 1/100। तो 1/R PR क्या हो जाएगा जी, 1/100। तो RPR क्या हो जाएगा, 100 ओम। आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है, कितना आसान है, ये 100 ओम है, कितना आसान है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसको बनाइए। ये न्यूमेरिकल सेशन है, आपको कौन सा है, रेजिस्टेंस वाले कराए हैं मैंने। आपने रेजिस्टेंस वाला अगर लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप रेजिस्टेंस वाले लेक्चर जाके देखिए, वहां भी मैंने कुछ लेक्चर कराए हैं। इससे पहले 4 लेक्चर आपको हो चुके हैं, उन जाके लेक्चर को आप देखिए और समझिए, क्योंकि आज का लेक्चर आपको अगर नहीं समझ में आएगा, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखेगा, तो वीडियो को देखना अनिवार्य है। इससे प्रीवियस जो भी है, आपको स्पीड एंड वेलोसिटी है, डेंसिटी और मास है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यूनिट एंड डायमेंशन है, तो जो भी टॉपिक्स इससे पहले मैंने करा दिया है, प्लीज जाइए और देखिए और वहां से समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस बार आपको पता है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के भी कुछ टॉपिक इंक्लूड है जो पहली बार आ रहे हैं, तो उसका तो न्यूमेरिकल आपको पता है कि डायरेक्ट ITI से ही आएगा। और इसका क्या जी, इसका न्यूमेरिकल आपको तो एग्जाम इससे पहले हुआ है, पैटर्न तो उसमें पता ही है कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करेंगे जी हम, तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आपको ये वाला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या करना जी, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1 ओम मीटर के नीचे दिए गए चित्र में टर्मिनल AB के इसके क्रॉस क्या लगाया गया जी, ओम मीटर। अब देखिए ओम मीटर आप जानते हो क्या पड़ता है जी, ओम मीटर
क्या करता है जी, ओम को मेजर करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है, प्रतिरोध को मेजर करता है। तो आप जब जानते हो कि ओम मीटर प्रतिरोध को मेजर करता है, तो प्रतिरोध निकालना है, इसका मतलब क्या हो जी, प्रतिरोध निकालेगा। अगर आमीटर रहता तो क्या करता, करंट मेजर करता। अगर वोल्ट मीटर रहता तो क्या मेजर करता, वोल्ट मेजर करता। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन के ए बी के क्रॉस निकालना क्या है। जब ओम मीटर है तो ओम निकालेगा, क्या निकालेगा जी, प्रतिरोध निकालेगा। ठीक है, प्रतिरोध को निकालने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, ओमीटर बोलते हैं। करंट मेजर करने वाले को करंट बोल अमीटर बोलते हैं। वोल्ट निकालने वाले को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो वोल्ट मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर चाहिए, करंट मेजरमेंट करने के लिए करंट चाहिए, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या चाहिए, ओम मीटर चाहिए। तो हमको यहां से ओम मीटर जैसे ही बोला, इससे हमको पता चला कि एबी के क्रॉस क्या निकालना है जी, तो प्रतिरोध निकालना है। एबी के क्रॉस क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो हमें टर्मिनल ए बी के क्रॉस प्रतिरोध निकालना है। तो यही बताना है, ये बोल रहा है लगाया गया मीटर लगाया गया है, ये मीटर का मान पड़ेगा, ये मीटर किस मान को पड़ेगा जी, तो जितना रेजिस्टेंस होगा उसी मान को तो बताएगा वो। तो इसका कुल मतलब क्या है जी, हमें ए बी के क्रॉस क्या निकालना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, प्रतिरोध का वैल्यू निकालना है। तो हम इसके प्रतिरोध को देखिए, ये क्या है, ये क्या है जी, ये दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। टू ओम का इससे हमने हार्ड क्वेश्चन कर रखा है जी पहले, लेकिन ये क्या है, इसको हमने उसको हमने क्या किया था, वर्बली बोल दिया था उस क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन आसान हो गया था, ये क्वेश्चन हार्ड हो जा रहा है। क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, हार्ड हो रहा है। तो हमको यही बोल रहे हैं कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, आप समझिए कि लैंग्वेज कैसे उलझाया जाएगा। आपको एक एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकली कंसेप्चुअली नॉलेज होना चाहिए। अब अगर आप मगअप करते हो, रटते हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एग्जाम में। आपको भी पता है कि जो रट रहे थे उन्हें क्या हुआ था जी, दिक्कत हो गया था। तो प्लीज आप मगअप न करें, रटने की कोशिश ना करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट नहीं समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नहीं है ये, मैं तो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या है। आप ये देखिए किस पब्लिकेशन का जी, स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है, स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है, आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप देखना चाहे तो गोरखपुर ऐसे भी लिखा हुआ है, गोरखपुर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेटल 2009, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन तो आएगा ही जी। तो इस क्वेश्चन को बनाना है, चलिए तो लेवल बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, क्योंकि नंबर तो लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे पोस्ट चाहिए इससे, देखिए इससे यही नहीं है कि यही जॉब निकलेगा, इसके अलावा हमें ये भी सोचना है कि आगे हमें प्रमोशन के लिए ये बेसिक मेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटेंगे तो कितना जी, एक महीना के लिए, दो महीना के लिए रट सकते हैं, लेकिन जो हमें एक महीना, तीन साल बाद, एक साल बाद, चार साल बाद, पांच साल बाद जो पेपर देना है, उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसे क्लियर कर पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ जो भी आप इतने सारे ऑनलाइन फैसिलिटी जो आपको अवेलेबल है वो सब डाइवर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं आप। मैंने देखा कि वाईफाई चैनल वाले ने, उन्होंने शायद पहले लेक्चर स्टार्ट किया था कि पार्ट ए का कोर्स करा रहे हैं, उन्होंने पार्ट बी का कोर्स करा दिया, उनके बाद पार्ट ए का लेक्चर नहीं था, कोई टीचर नहीं था, पार्ट ए का लेक्चर लेने के लिए कोई टीचर नहीं था, तो उन्होंने पार्ट बी शुरू कर दिया। और पार्ट बी में भी क्या कराया है मुझे नहीं पता, लड़के ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए अब समझने की यही जरूरत है कि समझना क्या है जी, हमें जो एग्जाम में आना है वो पढ़ना है ना, तो जो एग्जाम में टॉपिक नहीं आ रहा है उसको डीप में पढ़ाने की क्या जरूरत है। यहाँ तो आपको गेट का कोर्स तो चल नहीं रहा है, गेट का कोर्स तो चल नहीं रहा है ना जी, आईएएस का सर्विसेज का तो कोर्स चल नहीं रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोर्स तो चल नहीं रहा है, तो हम उतना लेवल तक क्यों पढ़ें। देखिए हमें कंसेप्ट बिल्डअप करना है तो बात सही है, लेकिन हमें उतना लेवल तक जाना ही नहीं है जी, हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। उन्होंने प्रैक्टिस शायद कराया नहीं है, लड़कों ने बहुत निगेटिव फीडबैक दिया है। मैंने जब लड़कों को पढ़ाया, देखिए क्लास में क्या है जी, क्लास में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे 500-400 लड़के पढ़ते हैं, उन्होंने शायद, मैंने तो सुना था कि 20-20 हज़ार लड़के एक साथ व्यू वगैरह हैं उनके, तो इसका मतलब है कि 20-20 हज़ार लड़के देख रहे हैं। और समझिए कितने लड़के बेवकूफ़ हैं, कितने लड़के बेवकूफ़ हैं कि 20-20 हज़ार लड़के देख रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि हमारा क्या सिलेबस है क्या नहीं। एटलीस्ट एक बार सिलेबस तो सामने रखो जी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उसको तो देखो। 2009 में जब पेपर आपके ऐसे आए हैं तो 2019 में कैसे आने वाले हैं, सोचो थोड़ा, सोचो, दिमाग लगाओ जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं मेहनत कीजिए, लॉजिक बनाइए तो सही है, लेकिन ऐसा डाइवर्ट मत होगी कि केवल और केवल टीचर पर डिपेंडेंट रहिएगा तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि कौन सा टीचर गेस कैसा कर रहा है किसी को पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है।
हाँ, हो सकता है कि उनकी आप फैसिलिटी देखकर, आप उनकी फैसिलिटी देखकर आप उन पर विश्वास कर रहे हो, मेरी फैसिलिटी नहीं है, आप विश्वास नहीं कर रहे हो मेरे पे, हो सकता है, मैं मानता हूँ। मैं वीडियो देखिए, मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, मेरे पास फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस मेरे पे ना हो, लेकिन मैं लेक्चर बनाता हूँ, मैं इस लेक्चर को देख कर आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई इंसान इतना नॉलेजफुल है और वो अपने से अपना एक चैनल क्रिएट करना चाह रहा है, तो आप मेरे को मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन, कुछ बच्चे ऐसा भी बता रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो बेल आइकन है, आप उस बेल आइकन को क्लिक करें, बेल आइकन को जब तक नहीं दबाइएगा तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्लासेस का। और मैं सारे लेक्चर आपको प्रीमियम में देता हूँ, अगर अगले लेक्चर, अगले दिन क्या लेक्चर आना वाला है मैं खुद बता देता हूँ, कि आपको मैं से भी 12 घंटे पहले अपडेट कर देता हूँ कि अगला दिन कौन सा लेक्चर आने वाला है। आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, आपको खुद वहां पर पता चल जाएगा कि अगली क्लास कौन सी होने वाली है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगला न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया, तो अगला न्यूमेरिकल मेरा है 2 ओम 2 ओम। तो देखिए ये क्या है, दोनों रजिस्टर पैरलर में है, ठीक है जी। तो आर इसको हम क्या मानते हैं जी, ये मेरा ये पॉइंट है, 2 ओम का रजिस्टर है, उसके बाद इस दोनों को हम कंबाइन करके एक रजिस्टर लिखेंगे जी, आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, ये बी ओम है, तो ये आर इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे जी, तो 1/r इक्विवेलेंट जब पैरलर में है तो पैरलर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 2/2 1/r इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, 1, क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 ओम, ये पॉइंट मेरा रहा, इसमें क्या है जी, ये मेरा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीधा कर दिया मैंने इस, क्योंकि इस वायर को सीधा करने से इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, 1 ओम, ये मेरा बी पॉइंट आ गया। अब देखिए ए बी के क्रॉस क्या है जी, ए सीरीज में है, ए बी सीरीज में है, तो क्या है ये दोनों रजिस्टर किस में है, सीरीज में है, तो आर ए बी लिख सकते हैं ना जी, ये मेरा ए है, मेरा बी पॉइंट है, आर ए बी क्या हो जाएगा जी, ए 1 ओम 2 ओम क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। किस तरह हमने लाया, तो आर इक्विवेलेंट बराबर सीरीज वाले फॉर्मूला लगाया है, R1 + R2, तो क्या हो जाएगा जी, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 + R2, तो 2 ओम और 1 ओम 3 ओम क्या हो जाएगा जी, आर इक्विवेलेंट किसके क्रॉस हुआ, तो इसके क्रॉस। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट हमने एक फॉर्मूला याद किया इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना जी। इसका ए आर इक्विवेलेंट अलग है, ए आर इक्विवेलेंट अलग है, लेकिन यहाँ फाइनल हमने ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाला था, हमने निकाल दिया, वो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया जी, 3 ओम हो गया। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, अगर ना समझ में आए तो दोबारा रिवाइज कीजिए, प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, जो सीरीज और पैरेलल का मैंने कंसेप्ट पढ़ा रखा है कि सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानते हैं, पहले सीरीज और पैरेलल पहचानिए, उसके बाद सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला याद कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, रजिस्टर में कैसे किया जाता है, कैपेसिटर में कैसे किया जाता है। देखिए मैं एक 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 मतलब जोन का एक पेपर उठाया हूँ, तो उसमें इतने सारे रजिस्टर के क्वेश्चन हैं, आप समझ सकते हैं जब इतने सारे क्वेश्चन है तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जी, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे चाहूँगा कि इस जो भी है आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और देखें, इसे समझने की कोशिश करें जी। चलिए अगला बोलते हैं, चलिए जी अगला बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, अगर इस सर्किट को हम देखा जाए, इस सर्किट में तो बोल रहा है कि नीचे की आकृति में आई इतना ओम इतना एम्पियर है, आई भी क्या जी 2/3 एम्पियर के बराबर है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उपेक्षाकृत करते हुए आर का मान का है, सेल के अंदर क्या है जी, आर कोई प्रतिरोध है। चलिए हमने इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, हमें इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है जी, हमें इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, हमें इस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस जो है आर ए बी निकालना है, यानी मेरा ए पॉइंट ए है, ये मेरा बी पॉइंट, क्या निकालना है जी, आर ए बी निकालना है। चलिए आर ए बी निकालना है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हमें आर ए बी निकालना है, ये क्या है 4 ओम का रजिस्टर है, ये क्या है जी, चलिए हम इस, चलिए मैं इस क्वेश्चन को ही बना देता हूँ जी, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ जी,
जो भी उसका मैंने पहले आर निकालना होगा, उसके बाद करंट निकालना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले आर निकालने को सिखा रहा हूँ, आर निकालने को सीख जाएंगे, उसके बाद करंट निकालना सीख जाएंगे। तो मैं उसको क्या किया हूँ, उसको तोड़ दिया हूँ। एक तरह से आप सोच सकते हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स भी है, इसके अक्रॉस हमारे दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, उसके अक्रॉस रजिस्टर एक क्या है जी, 4 ओम का रजिस्टर है, ठीक है जी। उसके पैरेलल में क्या है जी, 2 5 ओम का रजिस्टर है, ये भी क्या है, 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। ये क्या है, 2 ओम का रजिस्टर है, और ये पॉइंट आपका ये पे जाके मिला है। तो हमको आर ए भी निकालना है, आर ए भी निकालना है जी, हमको आर ए भी निकालना है ना, आर ए भी निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। इसको तोड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे जी, ये मेरा पॉइंट है, इसके क्रॉस क्या है, 2 ओम का रजिस्टर है। देखिए मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है, इसको आपको अगर नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा जी। देखिए उसके बाद क्या है जी, 4 ओम का रजिस्टर है, और 4 ओम के बाद क्या आ गया, बी पॉइंट आ गया। अब मेरा आर ए भी निकालना है। इससे पहले हमने ऐसे कितने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं जी, कितने सारे क्वेश्चन रखे, बस उसी चीज को हमने क्या किया है, तोड़ दिया है, उसी चीज को हमने क्या किया है जी, तोड़ दिया है और उसको बनाना है। तो चलिए ये क्या है जी, पैरलर में है, ये क्या है, पैरलर में है। तो आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये पैरलर में जो रजिस्टर है उस दोनों को सॉल्व करके लिख देंगे। उसके बाद 4 ओम का रजिस्टर है, उसको लिख देंगे, मेरा बी पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। तो अब बताइए ये 5 5 है पैरलर में है जी, तो आर 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा, 2/5। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। 2.5 ओम, ये 2 ओम, ये क्या है जी, 4 ओम, ये क्या है, सब सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 8.5 ओम क्या हो जाएगा जी, 8.5 ओम। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8.5 ओम। तो 8.5 ओम हो गया जी आंसर। देखिए कितना समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा, यहाँ पे आप समझो, आपको करना क्या है, आप उसी चीज को क्या करना है, सीरीज और पैरेलल से तोड़ना है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल है, हमें जो भी टॉपिक्स मिल रहा है, देखिए सीरीज और कॉम्बिनेशन का ये भी टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन जो है, देखिए अगला भी क्वेश्चन है जो वैसा ही है, सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस लैंग्वेज समझने की जरूरत है। क्वेश्चन को अगर समझ लीजिएगा लैंग्वेज तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आपको जो है, तो डायोड है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज है, इसको भी मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन रहा, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बोला है 3 प्रतिरोध हो, प्रत्येक 4 ओम का एक त्रिकोण बनाने का लिए जोड़ा गया, 2 टर्मिनल के बीच प्रतिरोध है। देखिए जी बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध ऐसा कुछ है, क्या है जी, तो 3 कोण है, 3 कोण का मतलब क्या हुआ जी, कुछ ऐसा है, 3 कोण ऐसा है जी, 1 2 और 3, ठीक है जी, ये 3 कोण हो गया। आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा मेरा ड्राइंग बहुत ही बेकार है। तो सभी का क्या है जी, 4 ओम है, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम का। अब बोला है किसी दो छोरे को, मैंने किसी दो छोरे को छोड़ दिया, छोरा ये लड़का वाला छोरा नहीं है जी, ये छोरा सिर है, इसका क्या है, 2 टर्मिनल्स की बात की जा रही है। तो छोरे मत उम्र समझना भाई, राजस्थान वाले छोरे किसी और चीज को बोलते हैं जी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो गया जी, ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया कि जो करंट जाएगा ये 4 ओम वही करंट इसके जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 ओम रहा, और ये जो है लाइन हमने इसको टेढ़ा कर दिया और हमने बी पे मिला दिया जी, ये मेरा ए पॉइंट है, ये 4 ओम का है, ये 4 4 जोड़ देंगे ना, सीरीज में क्या होता है जी, जोड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, 8 ओम। फॉर्मूला आप लगाइए उसको पता चल जाएगा। अब देखिए ये पैरेलल में हो गया, तो अब पैरेलल में हो गया तो क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला इसके अक्रॉस हम निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा, 8 2 1 3, 3/8। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, 8/3 आंसर आ गया, 8/3 ओम आंसर है जी यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल बनाना है बहुत ही आसान है, बस उसको समझने की जरूरत है। मैंने एक निकाला था क्या जी, मैंने एक कंपटीशन निकाला था और उसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि हमें कितने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। देखिए 4 4 क्वेश्चन 5 5 क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पर हेल्प करेगा, डायरेक्ट पूछेगा, ऐसा भी हो सकता है, इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन क्या है पूछा जा सके आपसे। तो ये सब समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो
तो आप जो भी क्वेश्चन हो आप उसका शॉर्ट भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट दीजिए क्वेश्चन को इमेज करके, उसको आप भेज सकते हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, मैं आपको ये सॉल्व कर दूंगा। तो प्लीज आज के लिए बस इतना ही, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।